क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स बता दे। सिक्स में कौन सा बताना है? सिक्स का फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट बताना, ठीक है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन ना काफी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ना, रैशनलाइजेशन। अभी जैसे हम कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, जैसे बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है रूट थ्री माइनस वन, और नीचे दिया गया है रूट थ्री प्लस वन, और ये इक्वल किसके इक्वल दिया है, ये दिया ए माइनस बी रूट थ्री, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग देखो सबसे पहले क्या करो ना, नीचे से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो इसको, ठीक है। तो रैशनलाइज करना तो हम लोग पढ़े हैं कैसे करते हैं। अच्छा बताओ इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, क्या से मल्टीप्लाई कर दें इसको? ठीक है, माइनस वन कर देंगे रूट थ्री माइनस वन, और इधर आ गया ए माइनस बी रूट थ्री, ठीक है। तो देखो क्या जा रहा है हम लोग का, ऊपर क्या जाएगा नीचे क्या जाएगा, ऊपर सेम चीज है रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन, तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे देखो क्या आएगा हम लोग का ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, और इधर ए माइनस बी रूट थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ मिस्टेक बहुत कोई करता है कि रूट ऊपर वाले में रूट थ्री का स्क्वायर कर देता है फिर वन का स्क्वायर, वैसे नहीं होगा ना, ये क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ऊपर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। और नीचे देखो क्या जा रहा है हम लोग का, रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, और वन का स्क्वायर वन, और इधर कुछ नहीं करना ए माइनस बी रूट थ्री। यहां तक देख लो जी, क्या कोई डाउट है इस स्टेप तक, क्लियर ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे जैसे देखे तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ गया थ्री, वन का स्क्वायर वन माइनस टू रूट थ्री, और नीचे रूट थ्री नीचे थ्री माइनस वन क्या आएगा, ये आएगा टू, और इधर क्या होगा हम लोग का ए माइनस बी रूट थ्री, ठीक है। अब इसमें देखे तो इधर थ्री प्लस वन तो ये फोर आ जा रहा है, तो फोर को लिख दे रहे फोर माइनस टू रूट थ्री, और नीचे क्या है टू इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। अब ये जो टू है इस टू को क्या कर सकते हैं, ऊपर अलग अलग करके कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऐसा करो कि ऊपर से टू कॉमन निकाल लो, टू कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, फोर से टू निकाले तो टू बच गया, टू रूट थ्री से टू निकाले तो बच गया माइनस रूट थ्री, और नीचे था टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ तक देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो टू माइनस रूट थ्री बराबर क्या आ गया हम लोग का, टू माइनस रूट थ्री बराबर ए माइनस बी रूट थ्री। अब देखो तो दोनों तरफ थोड़ा सेम सेम दिखने में लग रहा है थोड़ा, तो इधर देखो यहाँ ए है, ए के जगह में इधर कौन सा नंबर दिख रहा है हम लोग को देखने में, टू, तो ए का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का टू, और उसी तरह से देखो यहाँ हम लोग का रूट थ्री के आगे बी है, ठीक है, रूट थ्री के आगे क्या है बी है, लेकिन यहाँ रूट थ्री के आगे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, मतलब वन हो सकता है यहाँ, ठीक है, सबके आगे क्या रहता है कुछ नहीं रहता, मतलब वन है। तो बी का बी के प्लेस में क्या आ जा रहा है हम लोग का, बी के प्लेस में अगर देखे तो ये आ जा रहा है वन, क्योंकि बी भी रूट थ्री के बगल में है और ये वन भी रूट थ्री के बगल में आगे है, ठीक है, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए कंपेयर नहीं कर, माइनस को नहीं ले रहे, ठीक है, अगर माइनस नहीं रहता तब लेना पड़ता, ठीक है। तो देखो क्या जा रहा हम लोग का, कंपेयरिंग एक सेकंड क्या लिख दिया, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बी गेट, क्या मिल जाता हम लोग को, ए इज इक्वल टू आ गया टू, और बी इज इक्वल टू क्या जाएगा वन, ठीक है, दोनों में माइनस, अगर ऐसा रहता ना यहाँ प्लस रहता तब बोलते बी बराबर क्या आ गया माइनस वन, ठीक है, दोनों में माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं, या तो ऐसे भी सोच सकते हैं माइनस बी बराबर माइनस वन, तो बी बराबर वन, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार देख लो जिज्ञा, किसी स्टेप में दिक्कत हो तो फिर से रिपीट कर देंगे, नो डाउट ना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैसे हम लोग का सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में जैसे देखे तो क्या दिया गया हम लोग का सिक्स्थ में, थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए रूट फाइव प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से इस बार दिया गया,
तो फिर सेम वही करना है, रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले का साइन को नीचे, मतलब डिनोमिनेटर का मिडिल वाला साइन चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 - 2√5 हो जाएगा ऊपर नीचे, 3 - 2√5, 3 - 2√5, और इधर क्या है, a√5 + b। तो ये आ गया हम लोग का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर इस बार सेम नहीं है, सेम रहता तो होल स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ये 3 को पहले 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 को इससे करेंगे -2√5, 3 × 2 = -6√5, ठीक है। फिर √5 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, -3√5, और √5 को -√5 को 2√5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, -± +, और 2 देखो 2 तो बाहर है ना, देखो इसको मल्टीप्लाई करने दे, ध्यान से ना, 1√5 है और उधर क्या है 2√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2, और √5 क्या हो जाता है 5, तो ये आ जाएगा 2 × 5। ये चीज देख लो, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, -6√5, और 3 × √-√5 तो -3√5, और √5 × -2√5 -± +2√5, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के नीचे, 3 + 2√5, 3 - 2√5, तो a + b a - b, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, ये आ गया। और इधर है हम लोग का a√5 + b, ये आ गया। अब देखो जो नॉर्मल नंबर है उसको ऐड कर देते हैं, ये 9 है और ये क्या है 5 × 2 = 10, 9 और 10 क्या आ गया 19, माइनस ये देखो -6√5 और ये -3√5 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -6 और -3, देखो √5 ऐड नहीं होगा, ठीक है, उसका कॉफिशेंट ऐड होता है, तो -6 - 3 क्या आ जाएगा हम लोग का, -9√5, ठीक है, -9√5। और नीचे देखो क्या आ रहा हम लोग का, 9 - 5 = 4, 4 × 5 = 20, और इधर है a√5 + b, ठीक है, देख लो यहाँ तक। तो यहाँ तक भी क्लियर है सारा स्टेप, ठीक है। अब देखो ये आ गया 19 - 9√5, और ये 9 - 20 कितने के बराबर हो गया, ये हम लोग का ये हो गया -11, ठीक है, और इधर है a√5 + b। अब देखो ऊपर से 11 कॉमन निकलता तो कैंसिल कर देते, लेकिन 11 तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, तब ऐसा करना होगा कि इस 11 को अलग अलग कर दो, 19 के साथ अलग कर दो एक बार, और एक बार -9√5 के साथ ये -11 को अलग कर दो, ठीक है, और इधर क्या आ गया हम लोग का a√5 + b। अब देखो ये माइनस को तो ऊपर भी लिख सकते हैं, तो लिख दो ऊपर ही -19/11, और ये माइनस नीचे से ऊपर गया तो -±+9√5/11, ठीक है ऐसे। अब इधर क्या है a√5 + b, ठीक है, a√5 + b। अब आगे देखते हैं क्या करना होगा, तो रूट फाइव के बगल में जो रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग का, a रहेगा, तो रूट फाइव के बगल में हम लोग का यहाँ a था, तो यहाँ रूट फाइव के बगल में क्या है हम लोग का, देख लो, और यहाँ b के प्लेस में कौन सा है, अच्छा बताओ b के प्लेस में क्या लिया जाए, कुछ -19 साइन के साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, -19/11, ठीक है। तो हम लोग a b का वैल्यू दोनों का आ चुका है, a का वैल्यू क्या आया, a बराबर आया, तो हम लोग बोलेंगे a = 9/11, एंड b = क्या आ जाएगा -19/11, और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चेक कर लो, ये आंसर दिया होगा, एक बार देख लो इसका,